You're a superhero. गाइस कैसे हो आप लोग। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार के न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो को कैसे बना सकते हो। सो गाइस जैसा कि आपने देखा होगा इस टाइप की जो एडिटिंग है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपको भी ऐसा स्टेटस वीडियो बनाना है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है सो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी काइनमास्टर ऐप की। अगर आपको काइनमास्टर ऐप डाउनलोड करना है तो सिंपली आप मेरे जो मेटेरियल्स वाले लिंक पे क्लिक करके जाके डाउनलोड कर सकते हो, या तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, वहाँ से बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। अब गाइस बढ़ते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ। सो गाइस सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आ जाना है, क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है, नीचे आना है, इम्पोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। सब इस पर क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देख लेना आपको ये प्रोजेक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइस अगर आपको प्रोजेक्ट डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लिंक मिलेगा आपको प्रोजेक्ट का उस लिंक को आप ब्राउजर से डाउनलोड करना। ओके कोई ड्राइव फाइल में जाके डाउनलोड मत करना, ब्राउजर से डाउनलोड करना तो डाउनलोड हो जाएगा। ओके तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप ब्राउजर से डाउनलोड कर रहे हो या ड्राइव से कर रहे हो, तो ब्राउजर से करोगे मतलब करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये वाला है तो इसको आप सिंपली यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेना इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर जितना भी फोटो आपको दिखाई दे रहा है जितना भी ब्लैक बैकग्राउंड है ऊपर में सभी को आपको अपनी इमेज के साथ रिप्लेस करना है। ओके सो इसको मैंने घिंच के साथ बड़ा कर दिया। तो गाइस इमेज रिप्लेस करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है इस ब्लैक बैकग्राउंड पर, एंड आपको यहाँ पर क्लिक करना है इस वाले आइकन पर, एंड यहाँ पर जो भी आपका फोटो है उस फोटो के साथ यहाँ पर इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से। फिर दूसरा पे क्लिक करना है एंड वहीं पर क्लिक करना है आपको, एंड फिर अपना फोटो को एडिट करना है दूसरा फोटो को इस प्रकार से। जैसे फोटो पे क्लिक करोगे तो ये आपका फोटो है रिप्लेक्स हो जाएगा, फोटो आपको एड नहीं करना है आपको रिप्लेक्स करना है, ये बात आप ध्यान में रखना। सो गाइस इस प्रकार से आप अपने सभी फोटो को रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारा फोटो है, मतलब इतना फोटो है कि क्या ही बताऊँ, तो आप सभी फोटो को यहाँ पे रिप्लेस कर लेना। ओके थोड़ा सा आपका टाइम लग सकता है बट यहाँ पे आप लोग देखते हो इधर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा फोटो है, तो इस सभी को रिप्लेस आप कर लेना। बाकी गाइस मैं कुछ फोटो को यहाँ पे एड कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। ओके सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैंने कुछ फोटो को एड कर लिया है, मैंने सभी फोटो को एड नहीं किया बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मेरे को लग रहा था, बट यहाँ पे अपने सभी फोटो को आप एड कर लेना। मैं ऐसे मैं आपको समझा दूंगा तो आप समझ ही जाओगे, आप तो इतना समझदार हो। ओके सो गाइस आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको शुरू में आना है एंड आपको ये जो पहला वाला इमेज है इसमें आपको इन एनिमेशन से 33 नंबर का क्लिप ग्राफिक्स को एड कर लेना है। तो आपको पता ही होगा इन एनिमेशन कहाँ से डाउनलोड किया जाता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको इमेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिप ग्राफिक्स पे क्लिक करना है, ऊपर बॉक्स आइकन पे क्लिक करना है। जैसा इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इन एनिमेशन दिख जाएगा, यहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके तो गाइस ये हमारा काम हो चुका है। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे दूसरा इमेज जो हमारा है 0.500 सेकेंड से लेकर यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस 11 सेकेंड तक जो भी फोटो है आपको सभी फोटो में कॉल मी डीजे से 2 नंबर क्लिप ग्राफिक्स को एड कर लेना। ओके तो आई होप कि आपके सभी मतलब आपका सभी के काइनमास्टर में जो कॉल मी डीजे वाला क्लिप ग्राफिक्स होगा, अगर आपके काइनमास्टर में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो बीटसिंस ऐप से। अगर आपको बीटसिंस ऐप से क्लिप ग्राफिक्स डाउनलोड करना नहीं आता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके सो गाइस जैसे आप क्लिप ग्राफिक्स एड करोगे तो आप एक बार ध्यान रखना, जैसे आप क्लिप ग्राफिक्स एड करोगे तो यहाँ पर आप देख लेना कि ये जो येलो वाला है ये बीच में रहेगा, तो सिंपली इसको आप घींच कर इस प्रकार से एंड कर देना, तभी आपका पूरा इमेज में क्लिप ग्राफिक्स लगेगा, नहीं तो आधा इमेज में रह जाएगा। ओके तो इसलिए मैं कहता हूँ तो इन सभी इमेज में जहाँ तक मैंने आपको बताया 11 सेकंड तक जो भी इमेज है सभी इमेज में आपको इस प्रकार से कॉल मी डीजे से 2 नंबर क्लिप ग्राफिक्स को यहाँ पर एड कर लेना। ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आपको एड कर लेना। ओके कॉल मी डीजे से 2 नंबर ही एड करना है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो 11 सेकंड तक, मतलब 11 सेकंड तक मैंने एड कर लिया है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है इन एनिमेशन से 33 नंबर ला, तो आपको सिंपली इन एनिमेशन से यहाँ पे 33 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को एड कर लेना। ओके और इसका भी लेंथ बढ़ा के आपको एंड तक कर देना है। सो इतना हो चुका है आप लोग देख सकते हो, उसके बाद आपको इधर आना है एंड यहाँ पर लिखा हुआ है स्वीट लिस्ट से 11 नंबर ला, तो आपको स्वीट लिस्ट से 11 नंबर ला क्लिप ग्राफिक्स को एड करना है। ओके तो यहाँ पर आप लोग देखते हो यहाँ जितना भी छोटा इमेज है यहाँ तक
15 सेकंड तक सभी में आपको स्वीट लिस्ट से 11 नंबर वाला ही ऐड करना है। अगर आपको स्वीट लिस्ट डाउनलोड करना नहीं था तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा, वही वीडियो जाके आप देख लेना, आपको बिटसिंस ऐप में ही मिलेगा। ओके, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बिटसिंस ऐप से। अब बाकी आप डाउनलोड कर लेना एंड यहाँ पे स्वीट लिस्ट से 11 नंबर वाला आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ तक मैंने आपको बताया वहाँ तक। ओके, सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना है। सो गाइस, जैसे आप इतना ऐड कर लोगे, मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ तक ऐड कर लोगे 15 सेकंड तक, फिर आगे लिखा हुआ है स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला, तो आपको सिंपली स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला जो क्लिप ग्राफिक्स है इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसका लेंथ बढ़ा के एंटर कर देना है। फिर आपको आगे वाला जो इमेज रहेगा 16 सेकंड से जो स्टार्ट हो रहा है, इसका लेंथ कम है, इसमें आपको स्वीट लिस्ट से सेलेक्ट करना है, लेकिन आपको सेलेक्ट करना है 17 नंबर वाला, 17 नंबर वाला। ओके, तो इधर जितना भी इमेज रहेगा इसमें आपको 17 नंबर वाला ऐड करना है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, कहाँ तक ऐड करना है, यहाँ तक 18 सेकंड तक, जो भी इमेज का लेंथ कम है यहाँ तक आपको 17 नंबर लाइट करना, नीचे लिखा हुआ भी है तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको ऊपर वाला जो इमेज है जिसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे जो इसमें आपको फिर से स्वीट लिस्ट से 5 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को ऐड करना है एंड जो लास्ट में जितना भी इमेज बचेगा यहाँ से 19 सेकंड से आपको फिर से उसी में जाके स्वीट लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा क्लिप ग्राफिक्स, वही 11 नंबर वाला। ओके, तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो, तो आपका जितना भी फोटो रहेगा इधर लास्ट में सभी में आपको स्वीट लिस्ट से 11 नंबर वाला ऐड कर लेना है। तो गाइज, सो गाइज, हमारा जो स्वीट लिस्ट मतलब जो क्लिप ग्राफिक्स का काम था वो हो चुका है। अब गाइज हमें करना क्या है, सिंपली जो मैं जहाँ पे दूसरा इमेज आ रहा है वहाँ पे आना है, लेयर पे क्लिक करना है एंड मीडिया पे क्लिक करना है और सिंपली इस वाले जो ब्रेक ग्लास वीडियो को एड करेंगे हम, ग्लास ब्रेक या ब्रेक ग्लास कुछ भी बोले चलता है। सो आपको सिंपली इस वाले वीडियो को यहाँ पे एड कर लेना। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपसे कर लेना। सो इसका साइज प्रकार से आपको बढ़ा के इसका ब्लेंडिंग में जाके आपको स्क्रीन कर देना है और अगर इसका ऑडियो म्यूट कर देना, बिकॉज इसमें पहले से ऑडियो है, जो हमारा सॉन्ग है उसमें ऐसा ऑडियो है। ओके, तो इस प्रकार से इसको लगा देना है एंड जहाँ पे हमारा दूसरा इमेज आ रहा है वहाँ पे इस वाले वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे कैच आइकन पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको ट्रिम कर देना है, तो ट्रिम हो जाएगा। फिर आपको इस मतलब वीडियो को सेलेक्ट करना है, ग्लास ब्रेक वीडियो को, एंड इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट निकाल के इस पर आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, जिसको आप डुप्लीकेट निकालोगे, लॉन्ग प्रेस रख के इसको इधर स्लाइड कर देना। ओके, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से जहाँ पे हमारा दूसरा इमेज आ रहा है वहाँ पे इसको रख देना है, इस प्रकार से सही से रखना है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से रखना है एंड इसका लेंथ बढ़ा के आपको वहीं तक करना है जहाँ तक इस ये इमेज है। ओके, सो गाइस, फिर इसका डुप्लीकेट निकालना है एंड उसी प्रकार से स्लाइड करके आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगा देना है। ओके, फिर से डुप्लीकेट निकालना है एंड स्लाइड करके आगे लगा देना है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हो, तो इस प्रकार से आप डुप्लीकेट करके निकाल निकाल के आपको इस प्रकार से लगाते जाना है। तो कहाँ तक लगाना है, वो ये आपको वहीं तक लगाना है जहाँ तक हमने कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला क्लिप ग्राफिक्स को हिट किया है, जहाँ तक ये टैक्स में लिखा हुआ है कॉल मीडिया से 2 नंबर वाला, तो सिंपली हम वहीं तक इसको सेलेक्ट करेंगे, मतलब इस प्रकार से लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जितना भी है सभी में आपको डुप्लीकेट निकाल निकाल के लगाते जाना है। तो ये है 11 सेकंड तक, 11 सेकंड तक हमने लगा दिया, आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से ये लग चुका है और देखने में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। तो आपको सिंपली इस प्रकार से लगा देना। ओके, सो इसको लगा देने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे आना है जहाँ 11 सेकंड के बाद जो इमेज आ रहा है वहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड आपको सिंपली इस वाले जो है फ्लैश वीडियो को एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको डाउनलोड करके एड कर लेना यहाँ पे। ओके, सो गाइस, इस फ्लैश वीडियो को एड करना है, इसका साइज इस प्रकार से बढ़ाना है एंड इसका ब्लेंडिंग में जाके आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो आप इसको स्क्रीन भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप देख लेना, मैं तो मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, सो गाइस, आपको इस प्रकार से कर देना है एंड आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे ये इमेज खत्म हो रहा है 13 सेकंड पे एंड यहाँ पे आने के बाद इस वाले जो वीडियो को ट्रिम कर देना है। ओके, सो इतना कर देना है, फिर आपको शुरू में आना है एंड आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है एंड आपको इस वाला टेम्पलेट वीडियो को एड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, इसका एड करना है, इस प्रकार से इसको एड करने के बाद इसका ब्लेंडिंग में जाना है एंड स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद इसका एडजस्टमेंट में जाकर इसका ब्राइटनेस को आपको घटा देना है एंड HUUR ऑप्शन जाना है सबसे नीचे में, इसको इधर उधर चेंज करके अपने हिसाब से इसका कलर आपको चेंज कर देना है इस प्रकार से। तो इतना कर लेने मतलब आपकी जो वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पे प्रोजेक्ट है, बीट मार्क की सब कुछ है, तो यहाँ पे बीट मिलाने की जरूरत तो है नहीं, आपका बीट वर्क अपने आप मिल जाएगा, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, पे आपको शेयर आइकन पे क्लिक करना है एंड अपनी वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस, जैसे आप अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लोगे आपकी वीडियो बनकर तैयार हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।